हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अलजेब्रा बीजगणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि आपके प्लस और माइनस से रिलेटेड हैं, एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन पर बेस्ड होंगे। तो आइए देखते हैं, जो कि आपके पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड के पेपर चलने वाले हैं, जैसे कि आपका यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। सबके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से बता देते हैं। तो आज हम देखेंगे, पहला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू में क्या जोड़ें कि 2x² प्लस 9x प्लस 4 हो जाए। तो आपको बताना है कि इसमें क्या ऐसा जोड़ा जाएगा कि इतना प्राप्त हो जाए। तो इसका सिंपल सा फार्मूला इधर आपको बताते हैं। अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आपको आते हैं तो आप सिंपल सा करेंगे कि जो प्राप्त करना है उसमें से इस वाले को, ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। तो आपको क्या प्राप्त करना है, 2x² प्लस 9x प्लस 4 कि कितना में से जोड़ना किस में है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू को जोड़ना है, तो इसी में से घटा देते हैं, तब पता चल जाएगा कि आपको कितना इस वाले फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा। आपको पेपर में भी ऐसे ही लिखना है हल या फिर सॉल्यूशन, और इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर प्लस हो जाएगा 2। तो ये आपका यही आंसर होगा। तो आपको आंसर यही आएगा कि आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में अगर ऐड कर देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो आपको हम इधर प्रूफ करके दिखा भी देते हैं बाय प्रूफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में जोड़ना कितना है, इतना आ गया आंसर। यही इसको जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आप इसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 9x प्लस 4। तो आपका ये प्राप्त हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो आपको ये नहीं शो करना है पेपर में, पेपर में सिर्फ आपको ये शो करना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 में से क्या घटाएँ कि 2x प्लस 4 हो जाए। तो इसमें पूछा है क्या घटाएँ, तो घटाने में बस सिंपल सा इसी वाले में से इसको माइनस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं दूसरे का सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 में से आपको सिंपल सा घटा माइनस कर देना है 2x प्लस 4 को। तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो इतना अगर माइनस कर देंगे, आपको इधर प्रूफ भी हम शो करते जा रहे हैं साथ साथ, इतना अगर इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो आपको प्रूफ दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इसमें से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 को माइनस कर देना है। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 2x प्लस 4, तो क्या हो गया, आंसर प्रूफ हो गया। अब आइए देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, x के पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 में क्या में इतने जोड़ने पर क्या आएगा। मतलब आपको इसमें x² प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 9 को जोड़ना है। तो आइए देख लेते हैं, x टू पावर 4 9x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, और इसमें आपको जोड़ देना है एक्स टू पावर 4 9x² प्लस 8x प्लस 9। अब दोनों को ऐड कर देना है, तो आपको पता है कि सेम पावर का सेम पावर के साथ एडिशन होता है। तो कितना हो जाएगा, 2x टू पावर 4 प्लस, अब 9x³ इसके साथ का कोई पावर नहीं है तो इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए 9x² 2x² 11x² प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 4 आपका कितना होगा बोलिए, 12x और प्लस 9 और 5 ये कितना हो जाएगा, 14। तो ये आपका ये आंसर होगा।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलते रहें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर 9x^9 9x^8 4x² 2x + 4 में से 4x² 9x + 4 घटाएँ तो क्या प्राप्त होगा? तो आपको इसमें से इसको घटा देना है, जितना आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आइए देख लेते हैं, x^9 9x^8 4x^2 2x और क्या दिया है, +4, और इसमें से आपको माइनस करना है 4x² 9x 4। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, पावर के साथ माइनस होगा। तो अभी x^9 एज ऐसे ही लिख लेंगे आप, 9x^8 भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके साथ देखिए, 4x² में से 4x² माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 0, यानी कि कैंसिल हो गया। अब देखिए 9x और ये क्या हो जाएगा 2x में से 9x जाएगा माइनस 7x आएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि आपका ये आंसर हो गया। ये दिया है ना कि घटाएं तो क्या प्राप्त होगा, तो ये आपका 4 का आंसर कंप्लीट। अब आइए देखते हैं 5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 4x² 9x 4 में से 2x माइनस 4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? इसमें बोल रहा है जोड़ा जा रहा है, 4x² 9x 4, इसमें आपको 2x माइनस 4 को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो पावर के साथ पावर ऐड होता है, तो 4x² हो जाएगा और 9 + 2 11x और 4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस चैनल पे आपको पर डे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपके मैथ्स के होंगे। तो आप इस पे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।